हेलो बच्चों, वेलकम टू विनोद सर फिजिक्स क्लासेस। सो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, कोरोजन एंड रेंसिलिटी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले जो है जितना भी इससे पहले वीडियोज है, ठीक है, या फिर टॉपिक है हमारे पास, ठीक है, इससे रिलेटेड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से रिलेटेड, ठीक है, सभी जो है अपलोड हो चुके हैं। आप वहाँ जाके इजिली देख सकते हो। ठीक है, आप टाइप करोगे विनोद सर फिजिक्स, ओके, तो आ जाएगा सिंपल सा, या फिर टॉपिक का नाम लिखोगे वो भी आ जाएगा। ठीक है, टॉपिक का नाम लिख के बाय विनोद सर, जैसे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय विनोद सर, तो नीचे आ जाएगा सिंपल सा, आप उसे क्लिक करके या फिर प्ले करके देख सकते हो। ठीक है, तो हम आपको बताना चाहेंगे सिंपल सा कि जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन था, ठीक है, एक बार फास्ट में क्या करते हैं, हम लोग सारे टॉपिक को आगे से निकालते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, तो सबसे पहली बात की थी हम लोग केमिकल इक्वेशन का, ठीक है, केमिकल रिएक्शन का, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता था। ठीक है बच्चों, तो केमिकल रिएक्शन होता था सिंपल सा क्या, कि जो चेंजेस है, ठीक है, मतलब कि इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है, ओके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शन के बाद हमने फिजिकल नेचर देखा था, जो हमारे पास चेंज होता है वो दो तरह का होता है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिर उसके बाद हमने आया था केमिकल इक्वेशन पे, अगर कोई प्रोसेस है उसको हम सिंबल के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल इक्वेशन। ओके, एंड केमिकल इक्वेशन में कुछ क्या होता था, हमारे पास इन्फॉर्मेशन होता था, अगर उसे ऐड कर देते तो एक इन्फॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन आ जाता है। जैसे कोई चीज़ सॉलिड में है तो सॉलिड लिख दो, लिक्विड में है तो लिक्विड, एक्वस है तो एक्वस। ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दो टाइप का था, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। ठीक है, डिफरेंट बेसिस पे, एक था बैलेंस्ड, एक था अनबैलेंस्ड। ठीक है, अनबैलेंस्ड क्या था, एस्केल्टन था। अनबैलेंस्ड क्या था बच्चों, एस्केल्टन था। ठीक है, उसे हम क्या करते थे, बैलेंस्ड करते थे। ओके, और बैलेंस करने का तरीका भी सीखे थे हीट एंड ट्रायल मेथड से। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या था बच्चों, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक मिनट, नेक्स्ट था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। फाइव टाइप के केमिकल रिएक्शन होते थे हमारे पास। फर्स्ट क्या था, वेरी सिंपल, कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस। सेकंड क्या था बच्चों, सेकंड था हमारे पास बताओ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड क्या था, डिकम्पोजिशन, पहले भी आ सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या था, डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में ना बहुत सारा टर्म था हमारे पास। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हमने डिफरेंट टाइप से क्या किया था, डिफाइन किया था। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर एंड देन हमारे पास ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो भैया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आप जरूर देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, एंड ऑक्सीडेशन नंबर भी जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग क्या बात करने वाले हैं अभी, कोरोजन। ठीक है, क्योंकि पीछे का रिविजन हम एक रिविजन वीडियो बनाएंगे। ठीक है, सारा का सारा पार्ट जो है शॉर्ट में आ जाएगा। ठीक है, स्पीड अप। तो ये देखिए, कोरोजन क्या था, इरोजन बाय केमिकल एक्शन। व्हाट इज कोरोजन, तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन होता है इरोजन बाय केमिकल एक्शन। ठीक है, शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में। ठीक है, व्हाट इज कोरोजन बच्चों, तो कोरोजन क्या होता है, इरोजन बाय केमिकल एक्शन। कुछ केमिकल एक्शन होता है, ठीक है, किसी भी मेटल पे, किसी भी मटेरियल पे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोजन। ठीक है, कोरोजन क्या होता है, मेटल के ऊपर अगर जंग लग गया, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है भैया, कोरोजन जो है सिंपल सा, इसका काउज क्या है, ठीक है, इसकी ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, और इसका प्रिवेंशन क्या है, ये सब जानेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा, कंडीशन क्या हो सकता है, व्हाट इज कंडीशन ऑफ कोरोजन। ठीक है, किस वजह से जो है कोरोजन जो है मेटल के अंदर क्या होता है, आता है या मेटल के ऊपर आ जाता है। ठीक है, अच्छा, कोरोजन का दूसरा नाम भी होता है, वो क्या होता है, रस्टिंग। क्या होता है बच्चों, रस्टिंग। ठीक है, व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन इज डिग्रेडेशन ऑफ मेटल एंड इज ऑफन कॉल्ड रस्टिंग। व्हाट इज कोरोजन, सिर्फ एक लाइन याद रखो, कोरोजन इज डिग्रेडेशन ऑफ मेटल। ठीक है, किताब का लैंग्वेज है, किताबी भाषा है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, सिंपल सा, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने तब। ठीक है, ऐसे समझाने के क्रम में आप कुछ भी समझा सकते हो, जो इससे रिलेटेड चीजें, जो इसके तहत अच्छा चीज है या फिर सही चीज है, वो हम इजिली बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, बट आपको अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम बोर्ड पे इस तरह से आपके लिए लिख के आते हैं सिंपल सा, ताकि टाइम हमारा सेव हो। ठीक है, और हम अच्छे से आपके साथ इंटरेक्शन हो सके। ओके बच्चों, ठीक, कोरोजन को क्या बोलते हैं हम लोग, रस्टिंग भी बोलते हैं।
दूसरा नाम बहुत फेमस नाम रस्किन। अच्छा व्हाट इज कंडीशन, तो दो ही कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, एक तो एयर प्रेजेंट होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों कंडीशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी कोरोजन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कंडीशन ऑफ क्या कोरोजन, तो भैया दो, अगर इसमें से एक भी एब्सेंट है ना तो कोरोजन नहीं पकड़ेगा, ठीक है। एक मॉइस्चर, एक क्या एयर, ठीक है, मॉइस्चर और एयर होना बहुत जरूरी है। तो कंडीशन में क्या हो जाएगा, मॉइस्चर एंड एयर। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। मोस्ट मेटल कोरोड ऑन कॉन्टेक्ट विथ किसके साथ, वाटर, वाटर एंड बच्चों मॉइस्चर के साथ, वाटर और मॉइस्चर के साथ, ठीक है। अगर क्या करेगा, कोई भी मेटल आता है, ठीक है, सिंपल सा, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है क्या, कोरोजन। मतलब वाटर चाहिए और क्या चाहिए, एयर चाहिए। वाटर मतलब मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर और क्या चाहिए, एयर चाहिए, तभी जो है क्या होगा, कोई मेटल जो है क्या हो सकता है, कोरोजन उसमें आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है बच्चों, इसके अलावा, ठीक है, एसिड वेपर रहे, बेस वेपर रहे, साल्ट वेपर रहे या फिर साल्ट, एसिड वेपर, बेस वेपर, साल्ट वेपर, सॉलिड एंड लिक्विड केमिकल्स, इसके भी कॉन्टैक्ट में अगर कोई मेटल आता है, ठीक है, इसके भी कॉन्टैक्ट में अगर कोई मेटल आता है तो उसके अंदर क्या लग जाता है, कोरोजन, ठीक है, वो क्या होता है, कोरोड हो जाता है, ओके। एंड अदरवाइज एक फेमस इक्वेशन है हमारे पास, उसको आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, बेस्ट नॉन केस इज रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, बेस्ट नॉन केस ऑफ कोरोजन, यहाँ पर लिख लेना, बेस्ट नॉन केस ऑफ कोरोजन, ठीक है, बेस्ट नॉन केस ऑफ कोरोजन रस्टिंग ऑफ आयरन, और ये फॉर्मूला होता है रस्टिंग ऑफ आयरन का, Fe2O3 × 3H2O, ओके बच्चों, Fe2O3 × 3H2O, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 4Fe+3, इसका देखो कैसे हुआ है, ठीक है, ये रहा आयरन, आयरन का कॉन्टेक्ट एयर के साथ, कैसे याद रखना है, आयरन में क्या मिलाएंगे भैया, आयरन में मिलाएंगे वाटर या फिर मॉइस्चर इन एयर, एयर मतलब O2 के प्रेजेंट में, ठीक है, O2 और क्या लगाएंगे हम लोग, वाटर, ये वाटर और O2, Fe आयरन, आयरन रॉड, आयरन उसमें O2H2 मिलाएंगे, ये बन जाएगा Fe2O3 × 3H2O, ठीक है, रट्टा मत मारना, ठीक है, समझने की कोशिश करो, Fe2O3 × 3H2O कैसे आएगा भैया, आयरन में क्या करना है हमें, कोरोजन लाना है, तो आयरन को क्या करेंगे, ऑक्सीजन और H2O के साथ रिएक्ट करवा देंगे कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आ जाएगा क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन का इक्वेशन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन का इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, 2Fe2O3 × 3H2O, ठीक है बच्चों। सो इसके बाद क्या हमारे पास, फैक्टर, ओके, एंड प्रिवेंशन, ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्या बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कोरोजन, ठीक है, कोरोजन जो है किस किस फैक्टर पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हमारे पास, रिएक्टिविटी ऑफ मैटर, ओके, जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जल्दी उसमें क्या हो जाएगा, कोरोजन आ जाएगा, ठीक है। जो रिएक्टिविटी सीरीज था आपने पीछे देखा होगा, ठीक है, मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो पार्ट है उसमें बताया, ठीक है, शायद लेक्चर नंबर 2 या 3 होगा, ठीक है। तो वहाँ आप देख सकते हो सबसे पहले कौन सा था, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सो ऑन, ठीक है। तो भैया जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है उसमें क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगा, उसमें कोरोजन आएगा, ठीक है, सिंपल सा। तो ये एक फैक्टर है जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्या करेगा, ऑक्सीजन और वाटर से जल्दी रिएक्ट कर जाएगा बच्चों, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट एंड मेटल एंड नॉन मेटल में, ठीक है, रिएक्शन करने के बाद क्या हमें वो देता है, ठीक है, जस्ट आने वाला है। ये बस एक इंट्रोडक्शन क्लास था केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, इसमें बस आपको ये करना है कि पूरे चैप्टर्स में कौन कौन सा रिएक्शन पढ़ना है, कैसे क्या करना है, ये जानना था, ठीक है। और इसके बाद जो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस एंड सॉल्ट एंड सो ऑन, ठीक है, जो भी चैप्टर है आगे, ठीक है। अब इसमें ये फैक्टर क्या करता है, डिपेंड करता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या होगा, जल्दी जल्दी कोरोजन होगा, उसके अंदर क्या होगा, जल्दी कोरोजन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एटमोस्फेरिक गैसेस, ये बात तो मैंने कंडीशन में आपको बता ही दिया था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या, कि भैया की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, मॉइस्चर और एटमोस्फेरिक गैस, अगर ये प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, कोरोजन पक्का आएगा, ठीक है। आपने सुन रखा होगा एसिड रेन के बारे में, ठीक है, वो किसकी वजह से आता है,
वो आता है SO2 गैस के वजह से, ठीक है। किसके वजह से आता है बच्चों? SO2 गैस के वजह से, ठीक है, या SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ये बना लेता है एसिड रेन। क्या बनाता है बच्चों? एसिड रेन बनाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रेजेंस ऑफ इंप्यूरिटीज। तो इंप्यूरिटीज की वजह से भी क्या होता है कि क्रोजन आता है, ठीक है, सिंपल सा। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेन इन द मेटल। अगर मेटल के अंदर स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेन मतलब खिंचाव, ठीक है। जैसे ये मार्कर मान लो अभी इतना बड़ा है, ठीक है, अगर ये थोड़ा सा इतना बड़ा हो जाएगा ना, सिंपल सा, इसमें कुछ और ऐड कर देंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब खिंचाव, ओके। अगर ऐसा कुछ होता है ना तो उसके बीच जो है क्या हो जाता है कि पिट बन जाता है, ठीक है, अंदर इनसाइड, ठीक है, आपको बाहर से दिखेगा, इनसाइड पिट बन जाता है, जो कि क्या होता है, क्रोजन के लिए काफी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि केटायन या एनायन, ठीक है। अगर किसी मेटल के अंदर केटायन या एनायन प्रेजेंट है तो उससे भी क्या होता है कि क्रोजन आ जाता है, ठीक है। अब एक सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मान लो एक सिटी है और एक क्या है, कोस्टल रीजन है, ठीक है। कोस्टल रीजन आप समझ रहे हो, ठीक है, जो विलेज का एरिया होता है उसको बोलते हैं कोस्टल रीजन बच्चों, एंड जो टाउन एरिया है, ठीक है। एक पिलर जो है टाउन में है, कौन सा पिलर? आयरन पिलर। दिल्ली में भी एक आयरन पिलर है, ठीक है, आप जाओगे तो देख लेना, आयरन पिलर दिल्ली में है, ठीक है, और मान लो एक कोस्टल रीजन में है, तो सबसे पहले किस में क्रोजन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है कहाँ आएगा? जो कोस्टल रीजन में है। क्यों? क्योंकि कोस्टल रीजन में जो ह्यूमिडिटी होता है ना, वो क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है, और जो सिटीज है, टाउन है, वहाँ पे क्या होता है, ह्यूमिडिटी कम रीजन में, कम अमाउंट में होता है, ठीक है, सॉरी। तो जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी वहाँ पे क्या होगा, क्रोजन ज़्यादा आएगा, ठीक है, सिंपल सा। तो इस वजह से क्या होता है, ये सब फैक्टर आपको ध्यान रखना है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, सिंपल सा। अब क्या करेंगे हम लोग? मैथड टू प्रिवेंट क्रोजन, दिख रहा है कैमरा में? मैथड टू प्रिवेंट क्रोजन, हाँ, सो हो रहा है, ठीक है। मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन बच्चों, ठीक है। तो मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन तो बहुत सारा है हमारे पास। तो जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेमस क्या है? गैल्वेनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसीलिए मैंने इसको पहले लिखा है। क्या है? गैल्वेनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऊपर मिटा दें, गैल्वेनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग बच्चों, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन होता है कि जिंक का कोटिंग करते हैं किसी मेटल के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गैल्वेनाइजेशन। एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लो। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन आर्टिकल्स या फिर ऑन आयरन मेटल्स इज कॉल्ड क्या? गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। आगे बढ़े, आगे करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या आगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है जैसे कि क्रोमियम, प्लेटिनम एंड गोल्ड, ठीक है, याद रखना मेन थिंग्स, मेन पॉइंट, क्रोमियम, प्लेटिनम एंड गोल्ड, उसका क्या करते हैं हम लोग? कोटिंग करते हैं किसी मेटल के ऊपर, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, ठीक है, जस्ट स्क्रीन पे आपको अभी दिखेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जस्ट, ठीक है, किस तरह से उसका हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं किसी भी मेटल का, ठीक है, दिखा बच्चों? ओके, ठीक है, आगे करते हैं। आगे क्या हमारे पास? पेंटिंग। आगे क्या बच्चों? पेंटिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग है पेंटिंग। अगर किसी चीज के ऊपर, अगर किसी मेटल के ऊपर अगर हम पेंट कर देते हैं, ठीक है, तब पर भी क्या होता है? वो बच जाता है किसे? क्रोजन से, ठीक है। एलॉइंग, यही था एलॉइंग, मतलब अगर मान लो आयरन है उसके अंदर कुछ मिला देंगे, कॉपर, ब्रास, ठीक है, तो वो एलॉय बन जाता है, और मेटल के रिस्पेक्ट में जो एलॉय होता है उसका सारा सारा प्रॉपर्टी क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है, सारा का सारा प्रॉपर्टी बढ़ जाता है। तो क्या होगा कि एलॉइंग करने के बाद भी कम जंग लगेगा, ओके, कम क्रोजन होगा, ठीक है, क्रोजन मतलब जंग लगना, ठीक है। आगे क्या है? ग्रीसिंग। अगर ग्रीसिंग कर देंगे, ठीक है, सुना होगा, ठीक है, गाड़ी का, साइकिल का, अगर ग्रीसिंग कर देंगे ना, तब पर भी क्या होता है? क्रोजन नहीं आता है। बात समझ में आ रही है? आगे करें, आगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों हमारे पास? आगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रेंसिडिटी। तो व्हाट इज रेंसिडिटी? रेंसिडिटी क्या होता है, ठीक है, तो रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी रिलेटेड चीज थिंग्स है किसके साथ? ये फूड मटेरियल के साथ। किससे है रिलेटेड? फूड मटेरियल के साथ, ठीक है। अगर आपके फूड मटेरियल में, अगर आपके फूड मटेरियल में, ठीक है,
फैट और आयल है भैया, सभी फूड मटेरियल में क्या होता है, फैट एंड आयल होता है। तो फूड मटेरियल के अंदर जो फैट एंड आयल होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, स्लो स्लो ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ऐड होता है, ठीक है, और क्या होता है उसके अंदर हाइड्रोजन हटता है। जितना भी फूड मटेरियल है वो क्या है, कार्बन से बना होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझो बात को, फूड मटेरियल क्या होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन से बनता है। फूड मटेरियल किससे बनता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन से। तो जब बाहर से ऑक्सीजन आता है ना, वो क्या करता है, रिप्लेस करता है हाइड्रोजन को, जिससे क्या होता है कि जो फूड मटेरियल है, फूड मटेरियल के अंदर जो प्रेजेंट है आयल एंड फैट, ठीक है, उसमें क्या ऐड होता है, ऑक्सीजन, और क्या होता है, हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। इस वजह से क्या होता है कि उस फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल इज कॉल्ड क्या, रैंसिडिटी। बट ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है अपना सही एक डिफिनेशन, रैंसिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है, फैट एंड आयल, ठीक है, फैट एंड आयल प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ हॉल ऑर्डर एंड टेस्ट इन देम, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो आपका फूड मटेरियल है उसका जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है, ठीक है, अजीब सा टेस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, रैंसिडिटी, ठीक है, सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत। अच्छा, रैंसिडिटी का मतलब बासी, ठीक है, रैंसिडिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, बासी, लिख सकता है अगर जिसको पता नहीं है लिख लो, नहीं तो फिर ऐसे ऐसे भी जब मैं समझा रहा था आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, अगर कोई फूड मटेरियल है, ओके, अगर उसे हम बाहर रखेंगे बहुत देर तक या फिर अंदर ही रखेंगे, खासकर इस टाइम में गर्मी के मौसम में, ठीक है, तो वो क्या होता है, जल्दी ख़राब हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो है उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक होते रहता है, किसके वजह से, ऑक्सीडेशन के वजह से। ऑक्सीडेशन मतलब केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। फर्स्ट लेक्चर याद करो, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो वहीं से आ जाएगा, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो भैया ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा फूड मटेरियल का, उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आएगा जो क्या करेगा, उसको खराब कर देगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग कैसे जो है, अच्छा एक लाइन और है, व्हेन कुक्ड फूड आइटम्स आर प्लेस्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, देखो मैंने जो बोला लिखा हुआ है, अगर कुक्ड फूड आइटम्स है, ठीक है, जो बना हुआ घर में खाना है, ठीक है, अगर उसे हम बहुत समय के लिए छोड़ दें, ठीक है, वो क्या हो जाता है, बासी हो जाता है, क्या हो जाता है, बासी, रैंसिड हो जाता है एंड अनसुटेबल फॉर द कंजम्पशन, और वो खाने के लायक नहीं रहता है बच्चों, ठीक है, इस पॉइंट्स को जरूर लिखिएगा अपने कॉपी में, ओके, ये जो है खाने के लायक नहीं रहता है, ओके, एंड इससे हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है, हाउ टू प्रिवेंट रैंसिडिटी, ठीक है, मेथड टू प्रिवेंट क्या, रैंसिडिटी। तो ये पॉइंट बनता है हमारे पास, तो इस पॉइंट को हम करते हैं नोट, ठीक है, तो लिखिए मैथड टू प्रिवेंट रैंसिडिटी, डालो हेडिंग, डाल दिया, ठीक है, देखो इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय, ठीक है, मैथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी, ठीक है, मैं लिखता हूँ इसका आंसर, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय, सबसे पहला, ठीक है, इसमें दो पॉइंट और ही आ जाएगा, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एडिंग क्या, एंटीऑक्सीडेंट, अब ये क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट में एक होता है BHA, एक होता है BHT, याद रखना बुक में होगा BHA और एक क्या होता है BHT। दूसरा क्या है बच्चों, अभी हम आते हैं इस पे, दूसरा क्या है कि उसको जो हमारे पास पैक्ड फूड है उसको क्या करें, हम पैक्ड में रखें, ठीक है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वही मैं बता रहा हूँ पहले, फ्लशिंग विथ नाइट्रोजन गैस, फ्लशिंग विथ N2 गैस, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, फ्लशिंग विथ नाइट्रोजन गैस, BHA BHT, ठीक है, BHA और BHT, वॉट इज BHA एंड BHT, ये क्या होता है, BHA और BHT बच्चों होता क्या है, ये जानना है ना। इसका देखो फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, देखो ये क्या होता है, ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी, ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल या टॉल्यूबिन, ठीक है,
एरिसॉल, यहाँ पर देखो ब्यूटिलेटेन, हाइड्रोक्सी टॉल्यूम, क्या होता है टॉल्यूम, ठीक है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यूम, ये होता है फ्लशिंग विथ नाइट्रोजन गैस। तो फ्लशिंग विथ नाइट्रोजन गैस, देखो कुछ देखा होगा चिप्स वगैरह जो भी पैक्ड फूड होता है मार्केट में, ठीक है, जो क्या करते हैं हम लोग एक लिफाफा के अंदर बंद करते हैं, ठीक है, पैक्ड फूड जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसको हम ऐसा क्यों करते हैं, उसके अंदर कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन गैस बड़ा होता है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस क्यों बढ़ते हैं, जो नाइट्रोजन गैस है बच्चों वो क्या है, एक इनर्ट गैस, कौन सा गैस है, इनर्ट गैस, जो क्या करता है ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। नाइट्रोजन गैस बड़ा हुआ है, इनर्ट गैस है, व्हाट इज इनर्ट गैस, इनर्ट गैस ऐसा गैस होता है बच्चों जो क्या करता है, जो क्या करता है रिएक्शन होने से बचाता है, ठीक है। तो एन टू गैस क्या करता है कि जो भी फूड मटेरियल है पैकेट के अंदर उसके अंदर ऑक्सीजन जाने से रोकता है, जब ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा तो खराब होने का कोई चांस नहीं बनता है। तो भैया कि जो आपका पैक्ड फूड सब्सटेंस है उसको हम नाइट्रोजन गैस से क्यों पैक करते, क्योंकि नाइट्रोजन गैस इज अ इनर्ट गैस, सो ये क्या करता है, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन फ्रॉम एनवायरमेंट टू द फूड सब्सटेंस, ठीक है, ओके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। किस गैस से करते हैं हम लोग पैक, नाइट्रोजन गैस से, ठीक है। और भी बहुत सारा रीजन है, उसके बाद रेफ्रिजरेटर में रख दो, किसमें रख दो, बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, बाय कीपिंग फूड मटेरियल, बाय कीपिंग फूड मटेरियल इन कहा जी, इन रेफ्रिजरेटर, ठीक है, या फिर सनलाइट से बचा के रखेंगे, ठीक है, लाइट से बचा के रखेंगे, बाहर नहीं रखेंगे, ओके, ये सब होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए, ठीक है। सो ये चैप्टर